लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कल वाजे ने इनायत कोर्ट में अपने हस्ताक्षर में अपने वकील के सामने एक पत्र दिया, वो न्यायालय ने स्वीकारा नहीं क्योंकि वो कार्य पद्धति नहीं है, लेकिन वो पत्र बाहर आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अनिल देशमुख जी ने सस्पेंशन रद्द करते हुए फिर से पोस्टिंग देने के लिए और पवार साहब का इसमें सहमति नहीं है तो सहमति बनाने के लिए 2 करोड़ मांगी। ये उन्होंने पहला आरोप किया। सबसे महत्व की बात, उन्होंने दूसरा आरोप किया है मंत्री महोदय अनिल परब जी पर कि इन्होंने एक ट्रस्ट का मामला निपटाने के लिए 50 करोड़ मांगने के लिए कहा और मुंबई महानगर पालिका से संबंधित कुछ कॉन्ट्रैक्टर 50 उनसे 2-2 करोड़ मांगने का कहा, ऐसा कहा है। और एक बात कही है, वो थोड़ी इनडायरेक्ट है, वो गुटखा वाला वगैरह, लेकिन ये तो डायरेक्ट कहा है कि मुझे परब जी ने ऑफिस में बुलाया फिर लिस्ट दी वगैरह वगैरह। तो इस विषय में परब जी का कहना है, कल शाम को उनकी बहुत भावुक पत्रकार परिषद हुई, जिस भावुक पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि ये साजिश है और चंद्रकांत पाटिल को कैसे पता चला कि और एक मंत्री का इस्तीफा होने वाला है। ये तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी बता सकता है कि सदन में आप गृह मंत्री ने जो घोषणा करनी चाहिए कि वाजे जी को हम पद से हटा रहे, वो सदन में अनिल देशमुख होने के बाद भी, होम मिनिस्टर होने के बाद भी आपने की। फिर पवार जी ने ऐसे कहते हैं कि नाराजी व्यक्त की कि आप थोड़ा होम डिपार्टमेंट में ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, तो उनमें से लोगों को लगा, मैंने कभी अनिल परब जी का नाम नहीं लिया, मैंने इतना ही कहा कि एक मंत्री का और इस्तीफा हो जाएगा। उस पर अनिल परब जी का और हमारे परम मित्र जिनको मेरे बारे में बोलने के सिवा रात्रि नींद नहीं लगती हसन मुश्रीफ जी, उन्होंने कहा कि चंद्रकांत पाटिल को कैसे पता चलता है, इनका वाजी जी से कुछ संबंध है। अरे क्या मूर्खता है भाई, एनआईए में जाकर वाजे जी को मिलने की मेरी क्या औकात है, मैं एक सिंपल मिल मजदूर का बेटा हूँ। लेकिन ये कोई भी बता सकता है ना भाई कि अब अगला नाम कौन सा है, कौन हैंडलर है, ये कोई भी बता सकता है। और उन्होंने ये कहा कि मैं सबके लिए तैयार हूँ, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकुर का शिवसैनिक हूँ, अच्छी बात है। तो आप सीबीआई जो अनिल देशमुख की इंक्वायरी करेगी उसमें अपना भी नाम डालो, क्योंकि कोर्ट तो वही कहेगी ना कि भाई एक लगभग समान आरोप है, तो अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी सीबीआई करने वाली होगी तो इसमें इनका भी नाम डालो। तो आप कहिए ना कि 2-2 बार क्यों एजेंसी आना, सीबीआई की इंक्वायरी में मेरा भी नाम डालो। तो मुझे लगता है कि ये पूरा महाराष्ट्र संतरस्त हुआ है इन सब कारनामों को देखकर। यदि मैंने कहा कि और 2 मिनिस्टर का 15 दिन में इस्तीफा होने वाला है तो क्या मुझे मारने वाले हो? 15 दिन के बाद ये कहेंगे अरे भाई आपको कैसे पता चलता है? पता चलता है, दिस इज गेसिंग, ये तो अंदाज है भाई, दिखता है कि अब क्या आगे होने वाला है। तो इसलिए मेरी मांग ये है कि नॉट ओनली इंक्वायरी, नॉट ओनली FIR, ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी है, संगठित गुनेगारी है, संगठित गुनेगारी पर मौका लगता है। जो सामान्य व्यक्ति को न्याय, वो मंत्री को भी न्याय। इस देश में, राज्य में इसी प्रकार के उदाहरण हुए हैं कि जिसमें किसी को भी अलग किया नहीं गया, तो ये संगठित गुनेगारी, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी, ये यदि ऑन पेपर आती है तो इसमें मौका लगना चाहिए, बाकी सामान्य आदमी के जैसे जेल में जाके। राष्ट्रपति राजवट आनी चाहिए ऐसे मैं डिमांड नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी का राज्य का अध्यक्ष हूं मैं, लेकिन राष्ट्रपति राजवट आने के लिए और क्या होना चाहिए भाई? कोरोना में अपयश है, हर रोज मंत्रियों ने पैसे लिए वगैरह विषय सामने आते हैं, मंत्रियों के महिलाओं के साथ संबंध आते हैं। अब और कितने मिनिस्टर के इस्तीफे होने के बाद राष्ट्रपति राजवट लगती है, एक बार निकष माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमको बताए, उन्होंने डिमांड करनी चाहिए कि ये राज्य चलाना असंभव हुआ है कि भाई यहाँ भी राष्ट्रपति राजवट लाओ। वैसे तो हर विषय पर तो आप केंद्र करते ही हो, तो इसका अर्थ है कि आपको कुछ जम नहीं रहा है, तो आप होकर राष्ट्रपति को पत्र लिखिए कि मुझे जम नहीं रहा है, आपका शासन लाइए। दूसरा मुद्दा जो है मेरा बहुत महत्व का, कोरोना से संबंधित है कि इस विषय में भी जिस प्रकार से चल रहा है वो बहुत भयावह है। कल 1 लाख संख्या क्रॉस हुई, आपको देवेंद्र जी ने शब्द दिया कि ठीक है हम सहकार्य करेंगे, शायद राज ठाकरे साहब ने भी दिया, वो
शनि रवि के लॉकडाउन के लिए क्या, आपने तो पूरा लॉकडाउन ही कर दिया। हम बार बार ये बोल रहे थे कि लॉकडाउन को हमारा विरोध नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सामान्य आदमी को जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी चिंता करो, क्यों नहीं देते हो आप? आपने 2-2 करोड़ रुपए आमदारों को बढ़ाए विकास निधि, वो होता है 700 करोड़। 700 करोड़ में कम से कम 4 सेक्टर को आप महीने का मदद कर सकते हैं। रिक्शा वाले को दे सकते हैं 5-5 हजार रुपए, फिर घर में काम करने वाले हमें ताई को दे सकते हैं 2-2 हजार रुपए, तो कट करो हमारे 2-2 करोड़ रुपए, तो 700 करोड़ आपके हाथ में जाते हैं। तो कोई भी आप पैकेज नहीं देंगे, ये लॉकडाउन को हमारा विरोध नहीं, लेकिन इन सब बातों का क्या, कल 200 शहरों में व्यापारी रास्ते पर उतरे। व्यापारी नॉर्मली आंदोलन के मूड में नहीं रहता है, वो बेचारा अपना धंधा अच्छा, अपना घर अच्छा, रास्ते पर उतरे। उन्होंने कहा कि जो हमारा करना है करो, हम दुकान ओपन करेंगे। तो इस विषय में भी सरकार में चिंता कर रही थी। और सबसे महत्व की बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित कितने लोग हैं वो हम ढूंढने वाले हैं। दिलीप वळसे पाटील जी कहते हैं तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी संगठन है, दहशतवादी संगठन है? हाँ, जिस महात्मा गांधी जी के हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम जोड़ा गया था, उसमें भी सारे कोर्टों ने, तो आपका राज्य था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसमें संबंध नहीं है बताया है। देश में जब जब संकट आए, अभी कोरोना, पहले भूकंप, अतिवृष्टि, सारे विषयों में संघ के स्वयंसेवक जाते हैं। संघ के स्वयंसेवक देश प्रेमी है, समाज प्रेमी है, ये सर्टिफिकेट आपने देने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या नया निकाला आपने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संबंधित कितने अफसर हम देखते हैं, क्या करेंगे उनका? ये कानून खत्म हुआ है क्या? कोर्ट खत्म हुआ है क्या? ये आपका राज आया है, ये मुगलाई आई है क्या? तो ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कल शायद हर्षवर्धन जी ने सारे आंकड़े बताए हैं जो स्पष्ट है कि कोई दुजावा वगैरह चल नहीं रहा है। केंद्र पॉपुलेशन के अनुसार सबको 2 वैक्सीन देना चाहिए तो वो सिक्योर होता है, उस प्लानिंग से भेज रही है। और यदि स्टॉक समाप्त होने में आया है, आपकी गलती के कारण हुआ है, केंद्र भेजेगा, आई एम नॉट अ केंद्र, तो केंद्र को उन्होंने जाकर दिल्ली में बैठना चाहिए। दिल्ली में काम होने के लिए जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बाकी राज्य उस प्रकार से करते हैं, आपको भी जाना पड़ेगा।